नागौर जिले में जब हनुमान जी की सेना निकली तो उनके विरोधियों की आंखें चौंधिया गईं। खरनाल गांव में वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर हर साल बड़ा मेला लगता है। इस बार भी धर्म सभा का आयोजन किया गया जिसमें समाज के बड़े बड़े नेता और धर्मगुरु पधारे थे, लेकिन आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने जिस अंदाज में एंट्री मारी वो देखकर अच्छे अच्छों को चक्कर आ गए। बेनीवाल ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया जिसमें इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ आई कि बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की रैलियों के रिकॉर्ड ही टूट गए। और फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ उड़दंगे कार्यकर्ता सामाजिक तत्व जो ये नहीं चाहते थे कि मेले के अंदर वीर तेजाजी महाराज के अंदर जिस तरह मेरी आस्था है, कोई विधानसभा लोकसभा के अंदर जयकारे लगाना, तेजाजी के कार्यक्रमों के अंदर और तेजाजी के 5000 मंदिर देश में बने, तो लोग कई लोगों को तकलीफ है कि हनुमान जी आते हैं जब मेले के अंदर क्रेडिट वो ले जाते हैं। मैं मेले में क्रेडिट लेने नहीं जाता, मैं चाहता हूँ कि हमारा मेला विश्वविख्यात बने और इसको और ऊंचाइयां कैसे मिले। तो कुछ लोग आज जब मैं पहुंचा उससे पहले ही कुछ वहाँ कासुनी सी हो गई थी और मेरे जाने के बाद कोई ऐसी स्थिति नहीं। एक दो बार लोगों ने इस बात को जरूर कहा था, उनको मैंने समझा दिया और मैंने ये भी संदेश दिया कि हम सबको मिलजुल के रहना है, भाईचारे के साथ आगे बढ़ना, और मंदिर निर्माण है वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सारे लोग मिलकर अपन मंदिर का निर्माण कराएंगे। लेकिन आज की जो घटना थी इसमें पुलिस की इंटेलिजेंसी का फेल्योर था। पुलिस भी ये चाहती थी, राजस्थान सरकार ये चाहती थी झगड़ा हो, आपस में लोग मरे ताकि हनुमान बेनीवाल की बदनामी हो, ये पुलिस चाहती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि 5 लाख 7 लाख की जो गैदरिंग थी वो इंतजार कर रही थी अपने नेता का कि हनुमान बेनीवाल आएगा जब उसको सुन के हम जाएंगे, और उन्होंने मुझे सुना। शायद मैंने 4-5 मिनट बोला होगा क्योंकि ज्यादा वातावरण वहाँ था नहीं, मैंने स्पीच भी दिया, उनको समझाया। उसको हनुमान बेनीवाल ने मंच से ऐसी हुंकार भरी कि उनके विरोधियों के कान के पर्दे कांप उठे होंगे। महज 4 मिनट के भाषण में ही हनुमान बेनीवाल की ऐसी धमक दिखाई पड़ी कि विरोधियों के खेमे में सन्नाटा सा पसर गया। शायद यही वजह रही कि धर्म सभा में हनुमान बेनीवाल के भाषण पर उनके धुर विरोधी और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे रेवतराम डांगा ने एतराज जताया, जिसकी वजह से मंच पर पत्थरबाजी हुई, चप्पलें तक चल गईं। लेकिन इस बवाल के बावजूद बेनीवाल गरजते रहे और अपने विरोधियों को ये चेता गए कि हनुमान से जो भी पंगा लेगा उसे धूल धूसरित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।